बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान आया है, 6 दिसंबर को राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी, संत राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश करे या ना करे, लेकिन सरकार अध्यादेश लाए या ना लाए, 6 दिसंबर को संत करेंगे मंदिर निर्माण की शुरुआत। बीजेपी जिस मुकाम पर पहुंची है वो राम की कृपा से, ये कहना है साक्षी महाराज का। संतों के योगदान से बीजेपी मुकाम पर पहुंची है। दिल्ली में बैठक के बाद संतों ने नाराजगी जताई, आज मैं जो हूं राम जी की कृपा से। दिल्ली में बैठक के बाद संतों ने नाराजगी जताई है, आज मैं जो हूं राम जी की कृपा से, ये कहा साक्षी महाराज ने। और साथ ही ये भी कहा भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है वो राम जी की कृपा से ही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संत राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करेंगे, 6 दिसंबर को राम मंदिर निर्माण की शुरुआत। मैं जो कुछ हूं वो राम जी की कृपा से हूं, और भारतीय जनता पार्टी भी आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें देश के साधु संन्यासियों का राम जी का बहुत बड़ा योगदान है। कि चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश करे या आपको अध्यादेश लाके लाना पड़े, आप 3 तलाक के लिए अध्यादेश ला सकते हैं, तो अयोध्या के मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते? ऐसा देश के साधु संन्यासी धर्माचार्यों को सोचना है। मेरा मानना है कि अयोध्या का मामला बहुत लंबित हो गया, बीजेपी यहां तक आई है तो बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में देश के साधु संन्यासियों का, धर्माचार्यों का, राम जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करे, अगर सुप्रीम कोर्ट ये लगता है कि वहां मस्जिद बननी चाहिए तो निर्णय कर दे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर देता? सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे निर्णय किए, समलिंगता का निर्णय किया है, विवाहित संबंध का निर्णय कर दिया, पता नहीं क्या क्या निर्णय कर दिए, तो अयोध्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल निर्णय करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं करता है तो फिर लोकसभा अध्यादेश लाना ही चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराज भारती जुड़ चुके हैं। अनुराज, ये तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए साक्षी महाराज। हर बार के तरीके इस बार भी जो सांसद साक्षी महाराज हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो मैं हूं और जहां बीजेपी है वो सिर्फ राम जी की कृपा से है। अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर को लेकर साक्षी महाराज ने कहा है कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, अगर कोर्ट निर्णय नहीं करता है तो 6 दिसंबर से संत जो राम मंदिर का है निर्माण शुरू कर देंगे। अगर साक्षी महाराज के बयान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरे बयान में साक्षी महाराज राम मुद्दे को लेकर जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अनुराज भारती। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज। उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए अपनी ही सरकार पर निशाना भी साधा और कटघरे में भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कटघरे में खड़ा किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। आज मैं जो कुछ हूं वो राम जी की कृपा से हूं, और भारतीय जनता पार्टी भी आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें देश के साधु संन्यासियों का राम जी का बहुत बड़ा योगदान है। कि चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश करे या आपको अध्यादेश लाके लाना पड़े, आप 3 तलाक के लिए अध्यादेश ला सकते हैं तो अयोध्या के मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते? ऐसा देश के साधु संन्यासी धर्माचार्यों को सोचना है। मेरा मानना है कि अयोध्या का मामला बहुत लंबित हो गया, बीजेपी यहां तक आई है तो बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में देश के साधु संन्यासियों का, धर्माचार्यों का, राम जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करे, अगर सुप्रीम कोर्ट ये लगता है कि वहां मस्जिद बननी चाहिए तो निर्णय कर दे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर देता? सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे निर्णय किए, समलिंगता का निर्णय किया है, विवाहित संबंध का निर्णय कर दिया, पता नहीं क्या क्या निर्णय कर दिए, तो अयोध्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल निर्णय करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं करता है तो फिर लोकसभा अध्यादेश लाना ही चाहिए। एक बार फिर जुड़े हमारे सहयोगी अनुराज भारती। लगातार विपक्षियों पर जब हमला बोलते थे तो बड़े खुश होते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन आज बड़ा असहज कर दिया सरकार को भी साक्षी महाराज ने। अनुराज जी बिल्कुल प्रजल, कहीं ना कहीं अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है राम मंदिर मुद्दे को लेकर साक्षी महाराज ने। साफ तौर पर साक्षी महाराज ने कहा है कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर वो संतों के साथ खड़े हैं, और अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं शुरू होता है तो संत 6 दिसंबर से राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं एक बार फिर अपनी सरकार को घेरने का काम किया साक्षी महाराज। लेकिन इस पूरी हलचल के बीच कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलकर सामने आया, जिलाध्यक्ष से आपकी बात हुई हो किसी से, कि क्या वो सहमत है?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर साक्षी महाराज के बयान को लेकर उन्नाव जिले के किसी भी नेता ने या जिलाध्यक्ष ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर। और अनुराज क्या कुछ उन्होंने और स्पष्ट तौर पर कहा कि क्या केवल वो संतों ने जो सोचा है, क्या उसके साथ पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं साक्षी महाराज? जी बिल्कुल, जब इस बात को पूछा गया साक्षी महाराज से कि राम मंदिर के मुद्दे को लोग लेकर वो भाजपा के साथ जाएंगे या संतों के साथ रहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वो पूरी तरीके से संतों के साथ खड़े हैं। और साथ ही अनुराज ये भी है कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो जहां खड़ी है, जिस मुकाम पर है, या आज मैं जो कुछ हूं वो राम जी की कृपा से, या सीधे तौर पर उनका कहना है कि राम मंदिर बनना चाहिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए या ना आए। जी बिल्कुल, खुलकर साक्षी महाराज ने कहा है कि मैं अपनी बात करूं, मैं जहां हूं वो राम जी की कृपा से हूं, या बीजेपी की बात की जाए, सरकार में बीजेपी, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से राम जी की कृपा से ही है, और जो संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है बीजेपी को सरकार मिलाने के लिए। लेकिन अनुराज इस बाबत क्या ये सवाल किया गया साक्षी महाराज से कि आपकी पार्टी तो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो माना जाएगा, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए या ना आए, इसका मतलब क्या महाराज? आप लाइन से अलग हटकर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपनी इस मत पर अपनी पार्टी से नाराज नजर आए साक्षी। ठीक है अनुराज, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकारनाथ सिंह जी भारत समाचार पर। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा राम मंदिर को लेकर, लेकिन इस बार तो साक्षी महाराज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए या ना आए, लेकिन अध्यादेश पास हो या ना हो 6 दिसंबर से निर्माण शुरू कर देंगे साधु संत, और वो उनके साथ खड़े हैं। साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज की बात है, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? कांग्रेस में क्या मकसद आप लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? नहीं, स्पष्ट तौर पर दो तरह की राजनीति करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस का पार्टी तो करे, भारतीय जनता पार्टी जनता देख रही है, जनता देखेगी अपना जब वो फैसला करेगी कि ये क्या दावा कर रहे हैं, एक आदमी कुछ कहता है, एक कुछ कहता है, चुनाव समय में ये लोग कुछ कहते हैं, उसके बाद कोई धारणा हो जाती है और फिर दो चार एमपी को इधर कर देते हैं, अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो ये सब दावेबाजी चलेगी, होना थोड़ी कुछ है, उसमें कांग्रेस क्या बोलेगी? नहीं, जैसे 2014 से पहले सुनने को मिलता था कि अगर सत्ता में आती है बीजेपी तो राम मंदिर बनेगा, आपके सामने दिख रहा है जी, ना? जी, जी। आप खुद देख रहे हो कि उन्होंने 2014 में क्या कहा, अब तक वो क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्यों बीच में बोले? जनता फैसला करेगी, जनता सब देख रही है इनका ड्रामा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ओंकार नाथ। नमस्कार। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश करे या ना करे, लेकिन साधु संत 6 दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू करेंगे, यानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संविधान की शपथ लेकर जो एक व्यक्ति सांसद बना है वो सुप्रीम कोर्ट में भी और उसके फैसले पर विश्वास करता ही नहीं है, ये वक्तव्य बताता है साक्षी महाराज का।